पंजाब दे विच कई महीनों तो तनखाह ना मिल करके कॉलेज के कलर्क ने आत्महत्या कर ली। इस मामले ते हुण सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीतहिर ने प्रतिक्रिया दित्ती। उन्होंने पंजाब दे मुलाजमान नूं अजिहा कदम ना चुकन लई अपील कीती अते साफ कहा कि सरकार नूं थोड़ा समा चाहिंदा है, सारे मसलियां नूं जल्द हल कीता जाएगा। नाल ही केंद्र सरकार दे वल्लों पेंडू विकास वाले फंड रोकण ते केंद्र सरकार नूं घेरिया है। देखो मैं मुबारकबाद दिना एस डी कॉलेज की सारी मैनेजमेंट न टीचर साहबान प्रिंसीपल साहबान सारे जिहड़े साडे प्यारे बच्चे आ 62वीं जिहड़ा खेड जिहड़ा इह खेडां करवाईआं जा रहीआं ने क्योंकि जिवें तुसीं जिक्र कीता कि मैनूं पहली वारी जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बनण तों बाद इत्थे बुलाया गया। सो खुशी तां देखो मैनूं भी है ते सारे शहर वासियां नूं भी है जिन्हां ने एडा वड्डा मैंडेट दे के आम आदमी पार्टी नूं पूरे पंजाब 'च जिताया ते मैनूं जिहड़ा बरनाले तों दूजी वारी विधायक आ जिहड़ा उह बणाया। सो इत्थे मंत्री बन के पहुँचे हाँ। सो अज मैनूं खुशी भी है उहदे नाल नाल बड़ियां जिम्मेवारियां भी है। अज मैं इत्थे खिडारियों नूं पंजाब दे बच्चे आ जिहड़े साडे स्कूल दे कॉलेज दे उहनां दे नूं भी रूबरू होया ते इही मैं उहनां नूं सारिआं नूं विश्वास दवाया कि जिहड़ी लोकां ने पंजाब दे भले लई जिहड़ी नवीं सरकार आ जिहड़ी चुनी है उह हमेशा पंजाब दे जिहड़े हक दे फैसले आ जिहड़े स्टूडेंट दे हक दे फैसले आ जिहड़े जवानां दे हक दे फैसले आ जिहड़े खिडारियों दे हक दे फैसले आ जो भी मेरे कोल डिपार्टमेंट आ अच्छे फैसले होणगे ते खिडारियों दी पंजाब दी बेहतरी लई जिहड़े आ उह होणगे। पॉलिसी जिहड़ियां बन गईआं उह नीचे तो ग्राउंड तो पुछ के चाहे वह टीचर साहबान आ चाहे बच्चे आ चाहे खिडारी आ चाहे स्कूल एजुकेशन होवे चाहे उचेरी सिक्ख्या होवे हायर एजुकेशन होवे चाहे स्पोर्ट्स होवे सारी जिहड़ियां पॉलिसीज़ आ उह नीचे तो पुछ के बन गईआं पर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नूं पूरे हिंदुस्तान चों जिहड़े दोनों नूं जिहड़ी बेहतर बनाउण दी जिहड़ी कोशिश है वह साडी 100% रहेगी। पर इहदे विच सानूं सारे जिहड़े टीचर साहबान ने जिहड़े जिन्नियां भी मैनेजमेंट्स है जिहड़े प्रिंसीपल साहबान ने सरकारी टीचर है बच्चे है खिडारी है सानूं सारिआं दी सपोर्ट की बड़ी जरूरत है। अच्छा एक जिहड़ी होर गल है कि अज एक घटना वापरी है हीरा सिंह जिहड़ा हीरा सिंह भट्ठल कॉलेज लहरा गागा दे विच 35 महीने तो क्लर्क नूं जिहड़ी है सैलरी नहीं मिल रही थी उन्होंने आपका खुदकुशी नोट्स लिखा तुसीं एज ए सिक्ख्या मंत्री हो इत्थे हजे भी जिहड़ियां टीचर दीआं समस्यावां ने उहदे लई हल लई की होऊगा इह घटना? देखो हजे सानूं बड़ा थोड़ा समा जिहड़ा उह सरकार बणी नूं होया हजे जिहड़ा बजट है जिहड़ा हजे असीं उह वी जिहड़ा आउण वाले समें 'च पेश करना है। मेरी सारे टीचर साहबानां नूं बेनती है कि जिथे इन्ना समा कढ लिया तुसीं थोड़ा समा होर वेट कर लो तुसीं सरकार ते जिहड़ा उह विश्वास रखो। मैं अपने भाषण 'च ही बोलिया असीं पहलां ही बोलदे रहे असीं बेईमानी माफिया जिहड़ा पंजाब 'चों खत्म करना उह माफी दा खजाना जिहड़ा पैसा उहदे नाल पंजाब दा खजाना भरना ते उह पंजाब दे लोकां ते ही लाउणा ते टीचर साहबान भी उहदा हिस्सा ने। सो मेरी सारिआं नूं बेनती है कि जिन्नियां खाली सामियां ने असीं 5 साल दे विच सारियां भरांगे जिथे भी मतलब कि चाहे वह टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है असीं सारे जिहड़े मसले हल करन दी कोशिश करांगे। पर इस तरह का जिहड़े स्टैप लैणा मैं समझदा ये कोई समस्या का हल नहीं है। तुसीं थोड़ा ही पेशेंस रखो वेट करो ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1100 ਕਰੋੜ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
वह लागू करवाया जाऊगा, किसी भी जी लोगों की लुट है वह कर नहीं दी जाऊगी। अजक जी अनाउंसमेंट हो जाए कोई नहीं, योजना हम बनावे सू थोड़ा समा दौ सारिया प्राइमरी जो आरटीआई खुलासा होया गया जो प्राइमरी स्कूल ने 81 खुले थे 2017 तो हूँ तक 165 प्राइमरी स्कूल जो सरकारी बंद हो गए लगता भी ये निजीकरण रोकने एक बड़ा चैलेंज होगा सिक्ख मंत्री जी। देखो जी चैलेंजिंग तो देखो जेडे मैनू सारे डिपार्टमेंट मिले आ सारे ही है ना, चलो कोई नहीं असी दिल्ली भी साढ़े लिए सारा कुछ चैलेंजिंग सी पर असी वो चैलेंज एक्सेप्ट किए तो जी लुट सुट लोगों की होंगी सी वो बंद भी करवाई है ना, तो पंजाब दे विच भी लोग साढ़े तो यही उम्मीद है जी वह करते हैं, इत्थे भी असी जिहड़े सरकारी तंत्र है जिहड़ा उन्हूं मजबूत करन दे लई असी चले होयांगे, चाहे वह सरकारी स्कूल है चाहे हॉस्पिटल है जिथे लोगों को जिहड़ियां सहूलतां ने वो मिल सकन, सो इत्थे भी पंजाब दे विच करांगे। तुहानूं थोड़ा समां दिओ, हजे पॉलिसी जिहड़ियां वो बनियां ने, जदों बन गईयां फिर उन्हां च कोई कमी पेशी होई फिर सानूं दस्सो। दस दिए कि केंद्र सरकार दे रवैये ते पंजाब दे मंत्री पलटवार कर रहे ने अते कहा जा रहा है कि पंजाब दे विच होई हार तो बाद बीजेपी बखलाहट दे विच आ गई है। बरनाला तो प्रवीण ऋषि की रिपोर्ट। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com कानून जायदाद दा। होवेगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानूं रंगले पंजाब दे खेतां वल। जल्द आ रहा है साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सिर्फ D5 चैनल पंजाबी ते।